नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के तहत जहां एक और वर्तमान शहर विधायक ताराचंद जैन जहां शहर में फ्लाईओवर के हसीन सपने के तहत आम जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं उसके दूसरी ओर नगर निगम उदयपुर के NNULM, राजस्व विभाग, अतिक्रमण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए महाराणा भोपाल चिकित्सालय रोड और चेतक सिनेमा के सामने हो रहे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करते हुए आमजन को राहत देने का काम किया है। आपको बता दें कि आज पूर्व सूचना के अनुरूप निगम ने अपनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के तहत उदयपुर जिला प्रशासन, नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर आधुनिक मशीनों से मौके से पूर्णतया अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम किया है। आपको बता दें कि लगातार उदयपुर खबर के द्वारा इस तरह की सूचनाओं को प्रेषित कर उन जिम्मेदार अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया जा रहा था और उसी के तहत आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर शहर की आम जनता को राहत देने का काम किया गया है। हालांकि पूर्ण व्यवसायियों के द्वारा भी इनका विरोध पूर्ण जोर से देखने को मिला, जहां पर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया। चेतक चौराहे पर जहां बोटल नेक बनता है, यहां पर निगम ने आर्थिक स्थिति से कमजोर देखते हुए यहां पर कई कियोस्क को आवंटित किया गया है, लेकिन इन कियोस्क मालिकों के द्वारा अपने केबिनों को अन्य व्यवसायों के तहत बेच उसका अवैधानिक तौर पर किराया लेने का मामला भी सामने आया। उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए वहां पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके तहत यहां पर मार्ग को चौड़ा भी किया गया है, जिससे आने वाले समय में यहां पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो सकेगी। नगर निगम से राजस्व विभाग से विजय जैन, राहुल मीणा, निर्माण से सिराजुद्दीन, स्वास्थ्य विभाग से सत्यनारायण शर्मा, सुभाष जी शर्मा, NULM से सेल सिंह जी, भानु प्रताप और अन्य सभी जिम्मेदार विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन से जाप्ता और होमगार्ड मौके पर तैनात रहे। आपको बता दें कि मार्ग को बाधित करते हुए जिस तरह से ठेला नगरी बना दिया गया था जिलों की नगरी को, उन ठेलों को आज मौके से हटाकर जब्त कर नगर निगम के डंपिंग में ले जाया गया है और वहां रखा जाएगा। उसके बाद उचित न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यहां पर जो खड़े व्यवसायी थे, उन्होंने अपने लाइसेंस होने का जिक्र भी किया जो निगम के जिम्मेदार विभागों द्वारा दिया गया था। हालांकि इस संदर्भ में आखिरकार अंत तक क्या होता है, ये देखने वाला विषय होगा। ये है हमारे साहब, ये अतिक्रमण सर, आप बताएं किस तरह के क्या इस तरह अतिक्रमण जो रोड के ऊपर कर रखा है उनको हटवाया जा रहा है। जो इनको लाइसेंस दे रखा है, लाइसेंस इनके अंदर केबिन का है, जबकि बाहर ये ठेले लगा के व्यवसाय कर रहे हैं। आने जाने वाले ट्रैफिक वाले को परेशानी होती है। ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर ये तो बोले ठेलों का भी लाइसेंस दिया हुआ है नगर निगम से, ऐसा कुछ बोला? ठेले के स्ट्रीट और पेंटर पॉलिसी के इधर सेल सिंह जी देंगे, प्रभारी इनके। सर ठेले का भी लाइसेंस दिया हुआ कोई बोल रहा था? अगर ऐसा है कि उसका कैबिन है और उसने ठेले का लाइसेंस ले रखा है तो गलत है। उसने घोषणा पत्र दिया हुआ है कि उसका और कोई काम नहीं है, तो ऐसे में अगर वो अपना कैबिन भी लगाता है, उसके बाद ठेला भी लगाता है, तो अतिक्रमण अपना कैबिन दे रखा है तो उसमें अपना व्यवसाय करे। कर रहे और सामान तोक लेने उसके मारपीट भी की। मारपीट का वीडियो तो निजाम के पास है सब। आप पहले बात बताओ कि किस तरीके से क्या। आपको बता दें कि चेतक चौराहे पर हो रहे अवैध अतिक्रमण पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ ही आज जिला प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। हालांकि चेतक चौराहे पर शहर के कई हिस्सों से इस होती कार्रवाई को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा एकत्रित हो गया और आपको बता दें यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही मार्ग को पूरी तरह से चौड़ा कर दिया गया है। वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से हो सक रही है, जिसके रुकने का जो कारण बताया जा रहा है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर लोग अवैध तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण करके बैठ गए थे। यहाँ तक निगम के जिम्मेदार विभागों के द्वारा आर्थिक स्थिति को कमज़ोर होने के साथ ही यहाँ पर लोगों को कियोस्क दिए गए थे, लेकिन कियोस्कों की खरीद फरोख्त कर दी गई और उसके बाद उन्हीं कियोस्कों के बाहर अवैध तौर पर मार्ग को अवरुद्ध करते हुए ठेले लगा दिए गए, जिस पर कार्रवाई की गई। साथ ही यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जो ऐतिहासिक है, पुरानी है, उसके बाहर एक 70 साल पुरानी रेलिंग लगी थी, उस रेलिंग के आड़ में भी लोग अतिक्रमण कर रहे थे, उसे भी हटा दिया गया।